बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ बनाएंगे चॉकलेट गोल्ड केक और ये बहुत ही यमी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, और स्टेप बाय स्टेप जब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी तो वो भी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। जैसे कि मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और ये मैं एक पैन में उसके ऊपर छलनी रख के मैं इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना हो। और 5 to 6 मतलब मैंने इसमें 6 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर दिया है, और इसके साथ हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा सा पाउडर फॉर्म में जो है वो मिक्स मटेरियल आ जाए। ये देखिए, ये जितनी भी गुठलियाँ थी इनको मैं साइड पे निकाल दूँगी। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो मिल्क ऐड करूँगी और इसको मैं कंटिन्यूसली हिलाती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स नहीं बने और ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्सअप हो गया। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, और लेकिन उसमें साथ में कंटिन्यूसली हमने इसमें इसको विस्क करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। अब देखिए ये थिक होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। मैं कंडेंस्ड मिल्क मैंने यूज़ किया, आप इसकी जगह पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर शुगर ऐड करें। आप इसको अच्छे से मिक्सअप करें ताकि इसमें ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इसके बाद हम इसमें फ्लेम जो है वो इसमें ऑफ़ कर दें, और हम इसमें ऐड करेंगे एक जो है क्रीम ऐड करेंगे, ये 200 ml। ये 1 कप था, और इसके साथ हम इसमें मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हैं या आप चॉकलेट सिरप ऐड कर लें 2 टेबल स्पून। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड अप कर दें। और उसके साथ अब हम इसका फ्लेम जो है वो लाइट सा ऑन करेंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो बटर ऐड कर देंगे। इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और ये मैं इसमें वॉलनट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी नट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट और वॉलनट का जो फ्लेवर है और जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। आपको जो पसंद हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड अप कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, हमारा कोल्ड केक के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो चुका हुआ है। ये रनी नहीं होना चाहिए, मतलब थिक फॉर्म में होना चाहिए। अब हम ये देखें, ये मैंने तकरीबन 2 रोल बिस्किट के ले रही हैं मैरी बिस्किट के, और इसमें 24 बिस्किट से आप मैं इसको हाथ से क्रश कर लूँगी। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह देखें ये क्रश हो गए, आप चाहें तो लेयर भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस अगेन, मतलब इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे इसको बनाते हैं। अब हम इसमें ये लाइट सा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना और इसको बहुत ज़्यादा गर्म में भी नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। आप इसमें इसको अच्छे से मिक्सअप कर दें, और मिक्सअप करने के बाद हम एक बोल ले लेंगे। ये देखिए, मैंने 9 इंच पैन ले लिया, इसमें मैंने जो है एलुमिनियम फॉयल लगाया। आप इसकी जगह पर क्लिंग शीट भी लगा सकते हैं, तो ताकि ये हम जब इसको वहाँ इससे रिमूव करें ठंडा होने के बाद तो ये इजीली रिमूव हो जाए। अब हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। आप इसको इवनली स्प्रेड करें, इक्वल मतलब इसको ऊपर से ये देखिए बैलेंस कर लें सारा, चम्मच के साथ अच्छे से इसको बैलेंस करते हैं। अब हम शीट को फोल्ड कर देंगे ताकि इसके अंदर जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो इसमें पानी वगैरह या कुछ इस तरह की कोई चीज़ ना जाए। तो ये फोल्ड करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। ये डिपेंड करता है कि मौसम अगर ठंडा है तो ये 3 से 4 घंटे में भी हो जाएगा, अगर गर्म है तो 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसके बाद आप ये देखें, ये मेरा जो है वो 4 आवर्स में रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ग्रेजुअली पैन से निकालूंगी और इसकी क्लिंग एल्युमिनियम फॉइल जो है वो मैं इसकी साइडों से रिमूव कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। मैंने ग्लेस इसके लिए पहले से बना के रख लिया था। मैंने मेल्टेड डार्क चॉकलेट ली, उसको मैंने बटर डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप किया और उसके बाद ये देखिए हमारा ये जो है ये रेडी हो गया हुआ है। और इसके ऊपर मैं अब स्प्रेड करूँगी तो ये इसकी एक बड़ी अच्छी सी डार्क चॉकलेट की लेयर आ जाएगी। एक इसकी लुक चेंज हो जाएगी और दूसरा फ्लेवर में भी ये बहुत अच्छा आपको फ्लेवर देगा। ये देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर रेफ्रिजरेट किया और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इस पर कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, आप चाहें तो इस पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे गार्निश करते हैं। तो मैं इसको कंडेंस मिल्क से लाइट सा इसको डेकोरेट कर दूँगी। उसके बाद में इस पर कुछ मैंने वॉलनट्स रख लिए थे, मैं वो इस पर रख दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी आपका डिज़र्ट है। जब भी आप के गेस्ट आएँ आप इसको बनाएं तो आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए मैंने इस पर वॉलनट्स रख दिए और अब आप इसके स्लाइसेस कर लेंगे तो आपको जो इसकी अंदर की जो लुक है वो इससे भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। स्प्रिंकल ऐड कर लें आप, इसके ऊपर नट्स क्रश किए हुए वो ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली डेकोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही खाने वाले के लिए वो टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव होगा। तो ये देखें कि ये इतनी अच्छे से बिस्किट चॉकलेट की लेयर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारा कूल केक जो है वो रेडी हो चुका है। तो और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।